अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एसएन व्लॉग्स वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल में पकौड़ा कढ़ी। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक छोटे साइज का प्याज ऑमलेट कट कर लिए, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन, 3 टेबलस्पून बेसन, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून हल्दी, हल्दी हम थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डालेंगे, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 कप दही। एक बर्तन में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दी है। ऑयल अभी हम कम लेंगे क्योंकि बाद में तड़का भी लगाएंगे। तो मैंने लिए 2 टेबलस्पून। अब इसमें भी डाल दूँगी प्याज। प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे, सॉफ्ट होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तब तक हम दही में बेसन डाल लेते हैं। दही को हम किसी विस्क के साथ या चम्मच के साथ हम अच्छे से हिला लेंगे। मैं डाल दूंगी बेसन। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही में बेसन डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैं इसमें 4 कप पानी डाल दूंगी। बाद में डालूंगी। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। मिक्स कर लेते हैं। लहसुन को भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। डाल देंगे स्पाइसेस। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मसाले चले ना, हिला लेंगे। थोड़ी देर मसाला भून लेंगे। मसाला भून लिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन वाला दही। तो आँच हल्की कर देंगे। हिला लेंगे। जब तक इसमें बॉयल आता है हम चम्मच लाते रहेंगे। उसके बाद फ्लेम हल्का करके इसको कवर करके रख देंगे। जब तक कढ़ी पकती है हम पकौड़ों का बैटर बना लेते हैं। मैंने 6 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1 छोटे साइज का प्याज और आलू लिया है, उसको काट लिया है, चॉप किए हुई हरी मिर्ची, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे खुश्क मसाले। इनको मिक्स करेंगे।
मिर्चे डाल देंगे। प्याज और आलू डाल देंगे और पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। बीच में भी मैं कड़ी में चम्मच हिलाती रही और हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। पानी डाल के मैंने पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया। ये देखिए, बस आपने इसको इतना ही गाढ़ा रखना है। देख लेते हैं, 35 मिनट्स हो गए हैं कड़ी को पकते हुए। देख लेते हैं, इसमें मैंने चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दी थी। बस हमें कड़ी की इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो कड़ी और थिक हो जाएगी। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े फ्राई करेंगे। पकौड़े हम ऐड कर देते हैं कड़ी में। इसको हिला लेते हैं। अब हम बना लेते हैं कड़ी का तड़का। लाल मिर्च, जीरा और कड़ी पत्ता मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, मैंने हाथ में रब कर लिया है। 1/2 टीस्पून इसी लाल मिर्च मैं डाल दूंगी। बस अब इसको मिक्स करेंगे, कड़ी में डाल देंगे ताकि मसाला चले ना। अब मैं डालूंगी इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल में कोड़ा कड़ी बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।